पूर्व विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप पठानिया ने भाजपा सरकार के मोदी के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने पर की जा रही वर्चुअल रैली को शर्मसार करार दिया है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि देश की जनता महामारी के कोप से त्राही त्राही मची हुई है। गरीब आदमियों को रोटी नहीं मिल रही है, किसान के खेती में काम नहीं हो रहा है, और जिस तरह इस साल में जो देश का जो नुकसान हुआ, GDP जो है 0% के ऊपर के जा रही है, और आज ये फिर वही क्या बोलते हैं जश्न मना रहे हैं। इनको तो शर्म होनी चाहिए कि अब लोगों की इस बर्बादी के लिए खुद जिम्मेवार हैं, और उस जिम्मेवारी से हटने के लिए लोगों को मिले और रैलियां करने के प्रयास में चले हैं, जो एक बड़ी दुखद घटना है। वहीं उन्होंने कोरोना काल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह के द्वारा अपने वेतन को राहत कोष में देने के फैसले पर सभी अनुसरण करने की बात कही। तो वहीं उन्होंने कोरोना काल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह के द्वारा अपने वेतन को राहत कोष में देने के फैसले पर सभी अनुसरण करने की बात कही, जो लोग समाज सेवा के नाम पर जनता को मूर्ख बनाते हैं। पठानिया ने कहा कि देश में कोरोना महामारी के कारण GDP जीरो हो गई है, लोगों का बुरा हाल है, और जो भाजपा जश्न मना रही है शर्मसार है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में लोग गरीबों की मदद करने की बात कर रहे हैं, मगर कोई भी अपनी नेक कमाई से ये काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह का अनुसरण करना चाहिए और अपने वेतन से लोगों की मदद को आगे आना चाहिए। मैं पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस चीज की बधाई देता हूँ कि इस महामारी के समय में जब त्राही त्राही मची है, गरीब के लिए खाना नहीं है, चलने के लिए बस नहीं है, से ढकने के लिए घर नहीं है, तो उन्होंने जो अपना ये कदम उठाया ये बहुत ही सराहनीय है, और आज तक किसी ने भी इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया कि महामारी के लिए अपना जो अपने गाड़ी कमाई है उसमें से दान दिया। लेकिन इन्होंने किया है, ये नई परंपरा डाली है। हम चाहेंगे कि जो लोग इस तरह प्रयास करें, तो धर्म भी तो अपनी गाड़ी कमाई से होता है। ऐसे भी कई दानवीर हैं जो लोगों को कोई 5 किलो चावल देने के बाद 500 5 क्विंटल की बात करते हैं, लेकिन वो गाड़ी कमाई से देते हैं। वो उस पैसे को देते हैं जो कुछ लोग जो टैक्स चोरी करते हैं, जिसके इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में एक उन्होंने एजेंसियां खोली हुई हैं, उनके माध्यम से पैसा लेंगे और देंगे। मैं चाहूँगा कि वो लोग भी अपनी गाड़ी कमाई दें, तो हम समझेंगे कि वो भी दानवीर हैं, जैसे सुखू ने अपनी गाड़ी कमाई से जो है वो लोगों को मदद करने के लिए सरकार को चिट्ठी दी है, और ये कहा है कि जब तक ये कोरोना होगा मेरी तनख्वाह जो है वो उनके पक्ष में रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह की बिहार व बंगाल में वर्चुअल रैली पर पठानी ने कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही भाजपा इस तरह की रैलियां कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की हालत को देखते हुए चुनावों को टाला भी जा सकता है, जिसका प्रावधान संविधान में भी है, लेकिन भाजपा लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर गृहमंत्री सहित अन्य भाजपा नेताओं के परिवारों को मदद के बयानों को सही माना जाए तो सभी परिवारों को करोड़ों रुपए मिलने चाहिए। उन्होंने भाजपा पर देश को लूटने का इल्जाम भी लगाया है। ये देश का ऐसा गृह मंत्री है कि 2.5 महीने जब भी कोरोना का जो पीक स्टेज पे जा रहा था, तो ये 2.5 महीने कहीं नजर नहीं आया। चुनावों के वक्त जब आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान आदमी को, स्कूल के बच्चों को, दूसरी चीज़ों को, सबको डिस्टेंस और ही रखा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, और चुनावों को इन्होंने एकदम उसको ओपन कर दिया और उनकी रैलियां करना शुरू कर दी हैं। इनको कोरोना से और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको राजनीति और वोटों से ज़रूरत है। और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि देश को ये लूटने के लिए आए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आए। इनके कार्यकाल में देश जो है बहुत पीछे चला गया है, और आज भी ये जो चुनाव हैं ये 6 महीने आगे भी हो सकते हैं, संविधान में व्यवस्था है। बजाय कि इसको ये जश्न के माध्यम से और इसके करें, उसको आगे बढ़ा के लोगों की जो परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास करें। बड़े दुख की बात है कि अमित शाह जी कहते हैं कि मैंने 43 करोड़ आदमियों को 54,000 करोड़ रुपया दिया, 43 करोड़ परिवार को। तो 43 करोड़ परिवार जो, तो वो हिंदुस्तान में जो मेरे हिसाब से 25-30 करोड़ परिवार हैं जनसंख्या के आधार पे, हो सकता है एक दो नीचे हो, ऊपर हो सकते हैं।
तो उसने 54 करोड़ रुपया, 54 हज़ार करोड़ रुपया दे गिरे। अब कितना झूठ है ये, अगर इतना पैसा दिया होता है तो हर आदमी के घर में 2-2 करोड़ रुपये पहुँच जाता है। दूसरी बात कि हमने किसानों को जो है 8 लाख समथिंग उसका जो है 79 हज़ार जो है उन किसानों को जो है हमने मदद की। स्मृति ईरानी बोलती है कि 20 करोड़ महिलाओं के लिए हमने इतना करोड़ रुपया दिया, तो ये सारा करोड़ जब हम इकट्ठा करें तो परिवार तो 30 करोड़ है, तो एक एक करोड़ को तो एक एक परिवार को 3-3 करोड़ से ऊपर पैसा आना है। तो ये सिर्फ झूठ और अपनी जेब भरने का और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और देश को जो लूटने का प्रयास कर रहे लगे हुए हैं।